दो मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी है और साथ ही साथ कई योजनाओं का उद्घाटन भी है। लगभग 10,000 के आसपास जो है लोगों को नियुक्ति पत्र जो है वो मिलने का काम होगा। वाकई में अच्छी बात है और जिस काम के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं उस काम को हम लोग जो है पूरा कर रहे हैं। तेजस्वी है तो मुमकिन है। तेजस्वी के आते ही बिहार में मिलने लगा सरकारी नौकरी। तेजस्वी के आते ही युवाओं के चेहरे पर खिलने लगी है खुशी। तेजस्वी के आते ही बिहार में सरकारी नौकरियों की आ गई है बाढ़। तेजस्वी के आते ही 20 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। 10 लाख लोगों को मिलेगा सरकारी नौकरी। तेजस्वी के आते ही बिहार में हर विभागों में नौकरियों की बाढ़ आ गई है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। ये बातें जो हम कह रहे हैं वो तथ्य पूरक बातें हैं। जिस तरीके से बिहार विधानसभा 20 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने युवाओं से वादा किया था 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, ऐसे में बिहार में देखिए महागठबंधन की सरकार बनी है जिसके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं और मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार हैं। सीएम नीतीश कुमार ने भी युवाओं से वादा किया है बिहार के लोगों को 20 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। ऐसे में 10 लाख सरकारी नौकरी देने के क्रम में अब वादे की ओर आगे बढ़ चली है बिहार सरकार, आगे बढ़ चले हैं तेजस्वी यादव। अब लगातार देखिए कई विभागों में जो नौकरियां हैं वो निकल रही है और विज्ञप्तियां जारी हो रही है और नियुक्ति पत्र बांटे जाने शुरू हो गए हैं। आज का जो दिन है, आज का दिन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बड़ा दिन है जिसके कि मुखिया स्वास्थ्य मंत्री खुद तेजस्वी यादव हैं और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी बड़ा दिन है। और साथ ही साथ देखिए आज कई हजार स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा जो नए नए बहाली हुए हैं। इससे पहले आपने नहीं सुना होगा कि जो पुराने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। तो पूरा मामला समझने के लिए पूरा बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए आपको बताते हैं आज क्या कुछ मिलने वाला है बिहार को और कितने हजार लोगों को आज नए नौकरियां सृजित होने वाले, नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। इतने हजार लोगों के चेहरे पे आज खुशी आने वाली है। युवाओं को नौकरी देने के वायदे को पूरा करने के लिए बिहार सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। करीब एक महीने पहले बिहार सरकार ने भू राजस्व विभाग में 4,325 राजस्व अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटा था। उसके बाद पशु चिकित्सा पदाधिकारियों और मत्स्य विभाग पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। अब देखिए 9,469 स्वास्थ्य कर्मियों के बीच 21 अक्टूबर यानी कि आज नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। इस बात की जानकारी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बताया कि आज शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग बिहार के नव चयनित 9,469 स्वास्थ्य कर्मियों को ऐतिहासिक रूप से एक दिन नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। वहीं आज ही बक्सर और बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होने वाला है। देखिए ऐसे में और बड़ी खुशखबरी की बात है, बिहार को दो बड़े मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मिलने जा रहे हैं। ऐसे में देखिए अभी 11 मेडिकल कॉलेज हैं जो सरकारी हैं और 6 प्राइवेट हैं। ऐसे में अगर दो और मेडिकल कॉलेज मिल जाते हैं तो 13 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे सरकारी के और 6 प्राइवेट कॉलेज, ऐसे में बढ़ोतरी होगी। और गौरतलब है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सरकार ने 20 लाख नौकरी देने का वादा किया था। इस वादे को पूरा करने में सरकार लगी है, तेजस्वी यादव लगे हैं, पूरा महागठबंधन सरकार काम करता हुआ दिख रहा है, अब दिखाई भी देने लगा है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार बयान दे रहे हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। देखिए थोड़ा इंतजार करने के बाद युवाओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। उनकी सरकार जनता और युवाओं के लिए किए गए वादे को पूरा करने में लगी है। सभी विभागों में खाली पड़े पदों की सूची तैयार की जा रही है। पिछले दिनों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 4,325 राजस्व अधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया था। वहीं मत्स्य विभाग पदाधिकारियों और पशु चिकित्सा पदाधिकारियों की भी बहाली की गई थी। अब सरकार 9,469 स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की उपस्थिति में यह कार्यक्रम होना है। अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से तेजस्वी यादव ने इस कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने आगे लिखा है कि खुशी तब मिलती है जब आप दिल से जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। युवाओं की जय जयकार है, खुशी अपार बिहार में कि नई सरकार है, नौकरियों की बहार है। उन्होंने यह भी बताया कि कल ही यानी आज बक्सर एवं बेगूसराय जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी। बेगूसराय में 515 करोड़ की लागत से राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल बनेगा।
वहीं 515 करोड़ की लागत से बक्सर में भी बनने वाले हैं राजकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल का भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे शिलान्यास। ऐसे में देखिए बड़ा दिन है आज स्वास्थ्य कर्मियों के लिए हो या फिर बिहार के वासियों के लिए हो। जिस तरीके से लगातार देखिए नौकरियां दी जा रही है बिहार के युवाओं को, सरकारी नौकरी दी जा रही है, इससे बिहार के युवाओं के लिए आज बड़ा दिन है।